हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोसेट्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आपके पास जो राइट कोसेट होगा वो इक्वल टू सब ग्रुप एच होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ दिस ए एलिमेंट इज़ बिलोंगिंग टू दिस सब ग्रुप। ऑल्सो लेफ्ट कोसेट इज़ इक्वल टू एच इफ़ एंड ओनली इफ़ अगेन दिस ए बिलोंग्स टू एच। नाउ प्रूव करने के लिए हम क्या कर देंगे कि सबसे पहले जो है एच हम सब ग्रुप लेके चलेंगे ग्रुप जी का, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे क्या है इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन लगी हुई है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सपोज कर देंगे फर्स्ट पार्ट, वी विल सपोज डैट एच ए इज़ इक्वल टू एच, फाइन। और प्रूव क्या कर देंगे, वी विल शो डैट ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एच को। अब ये बताने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, हमें पता है कि एच जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है। अगर एच सब ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगी वो बिलोंग कर रही होगी, फाइन। नाउ इसी में हम अगर ये ए एलिमेंट जो है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, देन यही एलिमेंट जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स वो बिलोंग करेगा राइट कोसेट में, क्योंकि राइट कोसेट्स जो होते हैं उसमें इसी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। रिमेंबर राइट कोसेट्स जो होते हैं उस पर आपके पास इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वेयर दिस ए जो है ये बिलोंग कर रहा होता है ग्रुप को, फाइन। अब आप किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस आपके पास यही एलिमेंट आएगा, तो ये किसे बिलोंग कर रहा है, एच ए को, फाइन। नाउ ये एच ए जो है ये किसके इक्वल लेके चल रहे हैं हम, तो हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल टू है एच, तो यानी कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एच को, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमने क्या लेट करना है, हम लेट करेंगे कि ए एलिमेंट जो है वो सब ग्रुप एच में बिलोंग कर रहा है, और शो क्या करेंगे दिस थिंग। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम क्या कर देंगे, हम कहेंगे लेट दिस एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एच एंड वी विल शो डैट एच ए इज इक्वल टू एच। अब ये चीज़ कैसे शो की जाए, जब भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बताने वाले हो तो ये बताने के लिए हम सॉरी इक्वल बताना है अगर आपने, तो आप क्या करते हो पहले एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बताते हो एंड देन आप कहते हो कि यही सेट जो है ये सबसेट है फर्स्ट सेट का, तो ये कंडीशन तो आपकी तभी सेटिस्फाई होगी इफ़ दिस ए एंड बी आर इक्वल। सिमिलरली हमें क्या प्रूव करना है कि एच ए जो है ये इक्वल टू एच है, तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि एच ए इज़ ए सबसेट ऑफ एच। अब इसे प्रूव कैसे किया जाता है, सबसेट हम क्या करते हैं, ये हमने सेट्स में पढ़ा भी है, इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, हम इसमें एक एलिमेंट लेके चलते हैं, हम लेट कर देते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है एच ए को और ये कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है। अब एच ए राइट को सेट, इसमें तो एलिमेंट्स इस टाइप के होते हैं राइट, तो डैट मीन्स कि एक्स जो है वो बेसिकली इक्वल है एच ए के फॉर सम एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, राइट। नाउ आपके पास ये जो एच है स्मॉल एच, ये कैपिटल एच यानी कि सब ग्रुप का एलिमेंट है, जो हम इस कंडीशन में क्या चीज़ लेके चल रहे हैं, ए बिलोंग्स टू एच, ये किसको बिलोंग कर रहा है, दोनों ही एच को बिलोंग कर रहे हैं। अब ये एच हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, अगर ये सब ग्रुप है तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी वो होल्ड हो रही होगी राइट। अब यही एच ए जो है वो हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, एक्स के इक्वल, डैट मीन्स एक्स जो है वो एच में आ गया। आप एक्स इस सेट में लेके चले थे और यही एलिमेंट जो है वो इस सेट में आ गया, तो ये तो सबसेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डैट मीन्स कि हमारे पास जो ये एच ए है ये सबसेट है किसका, कैपिटल एच का, ओके। तो नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, नेक्स्ट हम बता देंगे कि यही एच जो है ये एच ए का सबसेट है। अब इसे किस तरीके से करेंगे, इसे बताने के लिए हम सेकेंड पार्ट में के लिए हमने क्या प्रूव करना है, डैट एच इज़ ए सबसेट ऑफ एच ए, ये बताने के लिए हम लेट करेंगे किस में एलिमेंट लेके चलेंगे, एच में, लेट एक्स जो है वो एच का एक एलिमेंट है, ठीक है। अब हमें पता है
कि इसी एक्स को हमने यहाँ पे लेके आना है, इसका मतलब हमें बात करनी होगी राइट कोसेट्स की। अगर हमें राइट कोसेट्स की बात करनी है तो हमें जी का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसे इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके राइट कोसेट बनेगा। अब यहाँ पे हमने लॉजिक ये लगाया कि ए जो है वो हमें पता है कि बिलोंग कर रहा है एच को, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो केस लेके चल रहे हैं हम, ये तो हम यही केस लेके चल रहे हैं ना कि दैट ए इज़ बिलोंगिंग टू एच। सो अगर ए बिलोंग कर रहा है आपके पास एच को, दिस मीन्स कि जो इसका इन्वर्स होगा वो भी बिलोंग करेगा एच को, क्योंकि एच जो है वो क्या है, एक सब ग्रुप है, तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। नाउ आप कह रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू एच, देन हम ये भी कह रहे हैं कि ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगी वो होल्ड होगी, राइट? ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होगी। ऑल्सो अगर मैं क्या कर दूँ कि यहाँ पे जी का एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दूँ राइट साइड से, तो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एसोसिएटिविटी लगा दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा। ये ए जो एलिमेंट है ये किसका है, एच का एलिमेंट है, एच क्या है, सब ग्रुप है, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा ई बिलोंग्स टू एच ए, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें वापस वही एलिमेंट आएगा। एक्स हमने किस में लिया था, एच में, इससे क्या पता चला, एच इज़ ए सबसेट ऑफ दिस। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कहेंगे हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास आ रहा है दैट एच इज़ ए सबसेट ऑफ एच एंड एच इज़ ए सबसेट ऑफ एच ए। तो ये आपके पास कब हो सकता है, व्हेन एच इज़ इक्वल टू एच ए। तो सिमिलरली जो इसी प्रॉपर्टी का हमारे पास सेकेंड पार्ट है दैट इज़ दिस, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, फाइन।